देवी और सज्जनों नमस्कार उत्सवों के इस माहौल में आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक भव्य उपहार मिल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को विशेषकर इन राज्यों के मध्यम वर्ग को निम्न मध्यम वर्ग को उच्च मध्यम वर्ग को वंदे भारत ट्रेन की बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों आज सेना दिवस भी है हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है देश की रक्षा में देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना का योगदान भारतीय सेना का शौर्य अतुलनीय है मैं सभी सैनिकों को पूर्व सैनिकों को उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस समय पोंगल माघ बिहू मकर संक्रांति उत्तरायण पर्वों का भी उल्लास चारों तरफ नजर आ रहा है जैसे देश के प्रमुख दिवस प्रमुख पर्व आसेतु हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक देश को जोड़ते हैं हमें जोड़ते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भव्य तस्वीर हमारे मन मंदिर में प्रस्तुत करते हैं वैसे ही भारत ट्रेन भी अपनी गति से अपनी यात्रा से जोड़ने का समझने का जानने का अवसर देती है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी एक राष्ट्र के रूप में हमारी साझा संस्कृति हमारी आस्था को भी जोड़ती है ये जो नई ट्रेन शुरू हुई है ये हैदराबाद वारंगल विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम जैसे शहरों को जोड़ेगी आस्था और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थान इस रूट में पड़ते हैं इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा इस ट्रेन से सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच लगने वाला समय भी अब कम हो जाएगा भाइयों और बहनों वंदे भारत ट्रेन इसकी एक और विशेषता भी है ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है ऐसा भारत जो अपने सपनों अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है हर हिंदुस्तानी अधीर है ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है उत्तम चाहता है ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है साथियों आज देश में वंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वो भी ध्यान देने वाली बात है ये सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत 2023 के वर्ष की पहली ट्रेन है और आपको खुशी होगी हमारे देश में पंद्रह दिनों के भीतर ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है ये दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत अभियान पटरियों पर तेज गति से दौड़ता हुआ जमीन पर बदलाव को महसूस कर रहा है वंदे भारत ट्रेन भारत में ही डिजाइन हुई और भारत में ही बनी देश की ट्रेन है इसकी रफ्तार के कितने ही वीडियो लोगों के दिलो दिमाग में सोशल मीडिया में भी पूरी तरह छाए हुए हैं मैं एक और आंकड़ा दूंगा जो जरूर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा दिलचस्प होगा बीते कुछ ही वर्षों में सात वंदे भारत ट्रेनों ने कुल मिलाकर 23 लाख किलोमीटर का सफर पूरा किया है ये पृथ्वी के अट्ठावन चक्कर लगाने के बराबर है इन ट्रेनों से अब तक 40 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है वो भी अनमोल है भाइयों और बहनों कनेक्टिविटी का स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दो जगहों को ही नहीं जोड़ता बल्कि ये सपनों को हकीकत से भी जोड़ता है यह मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से जोड़ता है टैलेंट को उचित प्लेटफॉर्म से जोड़ता है कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है यानी यहां गति है जहां जहां गति है वहां प्रगति है और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है हमने वो समय भी देखा है जब हमारे यहां विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ बहुत ही कम लोगों को मिलता था इससे देश में एक बहुत बड़ी आबादी का समय सिर्फ आने जाने में ट्रांसपोर्ट में ही खर्च होता था इससे देश के सामान्य नागरिक का देश के मध्यम वर्ग का बहुत नुकसान होता था आज भारत उस पुरानी सोच को पीछे रखकर आगे बढ़ रहा है आज के भारत में सबको गति और प्रगति से जोड़ने के लिए तेजी से काम चल रहा है वंदे भारत ट्रेन इसका एक बहुत बड़ा सबूत है प्रतीक है साथियों जब इच्छा शक्ति होती है तो बड़े से बड़े मुश्किल लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है हमने देखा है कि आठ वर्ष पहले तक किस प्रकार भारतीय रेल को लेकर निराशा ही देखने सुनने को मिलती थी सुस्त रफ्तार गंदगी का अंबार टिकट बुकिंग से जुड़ी शिकायतें आए दिन होती दुर्घटनाएं देश के लोगों ने मान लिया था कि भारतीय रेल में सुधार असंभव है जब भी रेलवे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होती थी तो बजट के अभाव का बहाना बनाया जाता था नुकसान की बातें होती थी लेकिन साथियों साफ नीयत से ईमानदार नीयत से हमने इस चुनौती के भी समाधान का निर्णय किया बीते आठ वर्षों में भारतीय रेल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी यही मंत्र है आज भारतीय रेल में यात्रा करना एक सुखद अनुभव बन रहा है देश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अब आधुनिक होते भारत की तस्वीर नजर आती है बीते सात आठ वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने शुरू किए हैं वो अगले सात आठ साल में भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रहे हैं आज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विस्टा डोम कोच है हेरिटेज ट्रेन है किसानों की उपज को दूर सुदूर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई गई माल गाड़ियों के लिए स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए दो दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है भाइयों और बहनों तेलंगाना में तो बीते आठ वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है 2014 से पहले के आठ वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था जबकि आज ये बजट बढ़कर के तीन हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है मेढक जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं 2014 से पहले के आठ वर्षों में तेलंगाना के में सवा सौ किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी जबकि पिछले आठ वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब करीब सवा तीन सौ किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है बीते आठ वर्षों में तेलंगाना में सवा दो सौ से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण तीन गुना से भी ज्यादा हुआ है बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं साथियों आज जो वंदे भारत चल रही है वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में साढ़े तीन सौ किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है पहले की सरकार के समय आंध्र में सालाना 60 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था जब ये रफ्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि होती है